गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? इस साल आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक स्मार्ट इंग्लिश होगी। लास्ट ईयर आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो थी वो कॉन्कर इंग्लिश थी, उसमें चैप्टर्स ज़्यादा थे। इस बार चैप्टर्स इसमें कम है, सिर्फ 10 ही चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक है तो आप कंटेंट में देख सकते हैं, साथ ही साथ आप डिजी मेजर ऐप पर इसका एनिमेटेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको स्किप नहीं करना होगा। और हम आज जो है फर्स्ट चैप्टर गो फॉर इट बबलू, इसकी समरी मैं आपको इन हिंदी एक्सप्लेन करूँगा। तो गो फॉर इट बबलू एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो 8 साल का है और पढ़ने और पढ़ाई के प्रति ये बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तो कहानी को हम शुरू से शुरू करते हैं, जहाँ पर शंकर नाम का एक 11 वर्षीय बच्चा है जो कि एक मिडिल स्कूल में पढ़ता है। काफ़ी होनहार और तेज़ है पढ़ने में, और जिस तरह आपको संडे के बाद मंडे को स्कूल जाने का मन नहीं करता, इसी तरह शंकर भी सोमवार की सुबह आलस भरी अंदाज में उठता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। पर जैसे ही अपने दोस्तों को देखता है उसका उत्साह बढ़ जाता है स्कूल जाने के प्रति। लेकिन साथ ही साथ वो एक चीज़ और नोटिस करता है कि उसकी मम्मी थोड़ी सी उदास है और आज वो ऑफिस भी नहीं गई थी। मम्मी से पूछने पर माँ उस शंकर को बताती है कि ऑफिस जाते वक्त शंकर के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन खुशी की बात यह रहती है कि शंकर के पिताजी को ज़्यादा चोटें नहीं लगती और 2 हफ्ते के अंदर उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इस बात को करते हुए शंकर की माँ कहती हैं कि अब हमें पिताजी के लिए एक ड्राइवर रख लेना चाहिए। टेक्स्ट बुक में एक टर्म यूज़ हुआ है शॉफर। शॉफर ब्रिटेन से उत्पन्न हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है ड्राइवर विथ अ यूनिफॉर्म एंड अ कैप। तो शॉफर के लिए वो इश्तहार देते हैं अखबार में और अपॉइंट करते हैं राज को, जो कि एक 30 वर्षीय युवा है। राज की अपनी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ है और 8 वर्षीय बच्चा बबलू है। ये सब उसी फ्लैट में रहने आते हैं जहाँ शंकर अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। बबलू का एडमिशन उसके पापा एक छोटे से स्कूल में करवा देते हैं जहाँ पर उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता बबलू का, क्योंकि बबलू के अनुसार वहाँ पर सिर्फ ब्लैक बोर्ड से कॉपी डाउन करना बताया जाता है, ना ही रीडिंग में कोई फोकस है ना ही राइटिंग में कोई फोकस है। बबलू एक दिन पेड़ के नीचे बाहर लॉन में बैठा हुआ होता है और शंकर यूं ही लॉन में घूमता हुआ जब उसकी निगाह पड़ती है तो वो देखता है कि बबलू जो है टेक्स्ट बुक को उल्टा पकड़े हुए है। चूँकि बबलू को अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो उल्टा सीधा वो कैसा भी पकड़ता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब ये देख के शंकर को जो है बड़ा अफसोस होता है। वो आता है अपने पिताजी से कहता है कि डैडी क्यों ना हम बबलू का एडमिशन हमारे स्कूल में कराएं। तो इस बात से उसके फादर भी एग्री करते हैं और बबलू का एडमिशन शंकर के स्कूल में करा दिया जाता है। इसके बाद होता ये है कि जैसे ही अगले दिन बबलू स्कूल जाता है, शाम को वापस आता है, तो जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो उसको टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं कि तुझको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है और साथ ही साथ तू उम्र में बड़ा है और छोटी क्लास में पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं बबलू को सुनने को मिलती है और वो रोता हुआ आके शंकर भैया को बताता है। शंकर उससे उम्र में 3 साल बड़ा है और शंकर ये सोचता है कि अब जो है बबलू को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शंकर लेता है। फिर वो अपनी जो पुरानी कॉमिक बुक्स हैं चंपक टिंकर बेल और चंदा मामा, ये सारी जो पुरानी कहानी की पुस्तकें हैं वो उठाकर बबलू को देता है। साथ ही साथ उसको वर्णमाला के लिए एक चार्ट बना के देता है और अल्फाबेटिकल चार्ट बना के देता है और धीरे धीरे उसको रोज़ प्रैक्टिस करवाता है अक्षरों के ज्ञान के साथ और रीडिंग की प्रैक्टिस राइटिंग की प्रैक्टिस सारी चीज़ें करवाता है। इसी बीच 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन 2 महीने बाद जब बबलू स्कूल से आता है तो बहुत चहकता हुआ आता है और आके सीधा शंकर के गले लग जाता है। पूछने पर शंकर को बबलू बताता है कि आज असेंबली में प्रिंसिपल मैडम ने ये कहा कि इस विद्यालय का सबसे होनहार छात्र बबलू है। ये सुनकर शंकर को भी बहुत गर्व महसूस होता है कि उसकी 2 महीने की मेहनत जो है रंग लाई है। अब बबलू का जो अगला एम है वो है शंकर की तरह कंप्यूटर चलाना सीखना। कहानी इसी नोट पर ख़त्म हो जाती है और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि आप अगर कुछ चीज़